13 दिन में 4.25 करोड़ कावियों ने हरिद्वार से उठाया जल। जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई यात्रा। मेरठ पश्चिम यूपी में 13 दिनों तक चली कांवड़ यात्रा के दौरान कुल 3,80,70,000 कावियों ने हरिद्वार से गंगा जल उठाया। वहीं मंगलवार को कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन मेरठ में ओगरनाथ मंदिर पर 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने 48 घंटे तक निर्बाध जलाभिषेक किया, तो बागपत के पूरा महादेव मंदिर में 20 लाख श्रद्धालुओं ने शिव का जलाभिषेक किया। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व था। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। बड़ी संख्या में कांवड़िए 13 जुलाई की पूर्व संध्या पर हरिद्वार पहुंचने शुरू हो गए। शासन प्रशासन ने करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद जताई थी। इसी हिसाब से सुविधाएं जुटाई गई थी। हाईवे से लेकर शहर में यातायात प्लान लागू किया गया था। कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन हरिद्वार से 30 लाख शिव भक्त हुए रवाना। गुरु पूर्णिमा के एक दिन बाद शुरू हुई श्रावण मास की कांवड़ यात्रा मंगलवार को शिवरात्रि को जलाभिषेक के साथ संपन्न हो गई। हरिद्वार में मंगलवार को भी 30 लाख शिव भक्तों ने गंगा जल उठाया और अपने प्रदेशों के लिए रवाना हुए। यात्रा के अंतिम दिन डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने पर ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को शाबाशी दी। बाबा ओगरनाथ मंदिर में 48 घंटे निर्बाध जलाभिषेक। मेरठ में शिवरात्रि पर शिवालयों में मंगलवार सुबह से शाम तक जलाभिषेक किया गया। हर हर बम बम के जयकारों के साथ मंदिर में श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था, जबकि कांवड़ियों ने शाम को शुभ मुहूर्त में भोले शंकर पर जल चढ़ाया। कई मंदिरों में भोले बाबा का पंचामृत से अभिषेक किया गया। मेरठ के बाबा ओगरनाथ मंदिर में 48 घंटे निर्बाध जलाभिषेक हुआ। कांवड़ियों ने त्रयोदशी का जल बाबा ओगरनाथ मंदिर और चतुर्दशी का जल अपने अपने मोहल्ले और कॉलोनियों के शिवालयों में चढ़ाया। अनुमानित 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। ओगरनाथ मंदिर में कांवड़ियों ने मंगलवार शाम 6:30 बजे चतुर्दशी का जल चढ़ाया। मंदिर में सोमवार रात्रि 3 बजे से ही भक्तों की कतार लग गई थी। सुबह 5 बजे मुख्य आरती के उपरांत शिवरात्रि का जलाभिषेक शुरू हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दंडवत कांवड़ लेकर भी पहुंचे। सुरक्षा के लिए मंदिर के बाहर पुलिस RAF और कमांडो तैनात रहे। पुराण महादेव में 20 लाख श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया। बागपत के पुरा स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। यहां 20 लाख से अधिक कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। डीएम राजकमल यादव ने बताया कि मंगलवार दोपहर तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके थे। रात तक यह आंकड़ा 20 लाख पार कर गया। मंदिर पर शाम 6:48 बजे झंडारोहण के बाद कांवड़ियों ने चतुर्दशी पर जलाभिषेक शुरू कर दिया था।